धमकी आ रही है, इसको मेंशन कर रहे हैं कि साहिल की अब नेक्स्ट बारी साहिल के, साहिल का अकाउंट, इस पर भी 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं, तो अब धमकी आ रही है कि साहिल का उड़ाएंगे। से मेरा अकाउंट चला गया, पीयूष का चला गया, अब साहिल को धमकी मिल रही है। मतलब मैं चुप था 10 दिनों से, ये चीज़ें हो रही है, 10-15 दिन हो गए, मैं कुछ भी नहीं बोल रहा था। मैं सोचा था कि आ जाएगा, कोई बात नहीं, हमारी कोई गलती नहीं है, 2 बार आ गया, मैं इंस्टाग्राम से बात कर रहा था, बट अब काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, बिकॉज पीयूष का भी जा चुका है, पापा जी का भी जा चुका है, और अब साहिल की बारी, साहिल को धमकी मिल रही है। तो हाँ, अपने तक होता है ना, तब बंदा सहन भी कर ले। तो हेलो, जैसे कि आपने अभी वीडियो मैंने दिखाया था, सौरभ की जो वीडियो है उसकी कुछ क्लिप्स मैंने आपको शेयर की है। अगर आपको पूरा वीडियो देखना है तो मैं लिंक शेयर कर दूंगी, आप जो भी सौरभ जोशी की जो भी वीडियोस है आप लिंक पर जाके देख सकते हो। तो पहले मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ कि सौरभ जोशी को मैं फॉलो करती हूँ और उनको इंस्टा पे भी फॉलो करती हूँ, उनको यूट्यूब पे भी फॉलो करती हूँ। शाम को जब उनका आई थिंक 4 बजे के बाद, 4 या 4:30 के समथिंग उनका जो वीडियो अपलोड हुआ तो वो मैंने देखा, और उसमें जिस हिसाब से उस इंसान ने, उस बंदे ने बताया, मुझे देख के एकदम शॉक लगा कि यार जिस इंसान का किसी से लेना देना ही नहीं है, जो किसी से मतलब ही नहीं रखता, अपना सिर्फ चैनल पे ध्यान देता है, अपने डेली के फैमिली व्लॉग हैं, अगर कहीं घूमने गए तो बना दिए, उससे कभी किसी से झगड़ा होते हुए नहीं देखा, और वो इतना हम्बल है लोगों को लेके, आप उसके साथ इतना गलत कैसे कर सकते हो? मतलब जिस इंसान ने एक जीरो से शुरू किया हो, यहाँ से शुरू करके और यहाँ तक आने में उसे 5 साल लगे हैं, 5 साल की मेहनत आपने झटके में बर्बाद कर दी। आपने मतलब उस जो इंस्टा का अकाउंट है सौरभ जोशी का, मतलब उसमें मिलियंस फॉलोवर्स हैं, मिलियंस मतलब मिलियंस बनाने में कितना टाइम लगता है। जो आर्ट का चैनल है इंस्टाग्राम पे सौरभ जोशी का, वो आप लोगों ने डिलीट करा दिया, आप लोगों मतलब जो हैकर्स हैं उन लोगों ने डिलीट कर दिया। तो आपने क्या सोच के कराया, आपके मतलब ऐसे क्या खुन्नस है? तो मुझे तो ये एक ही पॉइंट समझ में आ रहा है कि शायद जो जिन लोगों ने भी ये काम कराया, जो ऊपर बैठे हैं और इन जो उनके जो भी ये जो छोटे मोटे जो लोग हैं उनको जो ऑर्डर दिए जा रहे हैं, उनको इसलिए ऑर्डर दिए जा रहे हैं क्योंकि उन्हें लग रहा है कि सौरभ इतनी सी एज में इतना ज़्यादा वो बंदा फेमस हो गया है, तो वो पता नहीं आप लोगों को पच नहीं रहा है कि क्या हो रहा है। पर इस टाइप का मुझे नहीं लग रहा है कि आप लोगों को करना भी चाहिए था, क्योंकि वो जो मेहनत है ना वो आपने देखी नहीं, वो जो बंदे ने मेहनत की ना सब्सक्राइबर, एक एक सब्सक्राइबर के लिए, वो आप लोगों ने देखी नहीं, आपने सिर्फ उसका पैसा देखा। तो पैसे से पैसा कमाने के लिए जो उस बंदे ने मेहनत की वो आपने देखा ही नहीं, तो ये बहुत ही गलत चीज़ है, आप लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर आप लोगों की सौरभ से कोई भी दिक्कत है, उस बंदे से आपकी दिक्कत है, तो आप सामने आके बात करें ना, पीठ पीछे ऐसे क्यों कर रहे हैं? मतलब सौरभ को तो आप टेंशन में दे रहे हैं, आप उसकी फैमिली को भी परेशान कर रहे हैं, और उसके घर में जो उसके छोटे भाई बहन हैं उनको भी परेशान कर रहे हैं, और साहिल को आप, साहिल को भी धमकी दे रहे हैं कि अब साहिल का भी अकाउंट डिलीट करेंगे। मतलब इसमें क्या मिल रहा है आपको, क्या मिल रहा है? मतलब आप पैसे की आपने डिमांड नहीं की, और आप जब मैसेज में वैसे सरसर करके बात कर रहे हो, और वैसे आप बोल रहे हो मज़ा आ रहा है, मतलब क्या मज़ा, इसको परेशान करके आपने क्या मज़ा कर लिया? ये कुछ ही लोग हैं जो जल रहे हैं, और जल भी किस चीज के रहे हैं, वो आपके घर से ना खा रहा है ना वो पी रहा है, अपने घर में खा रहा है पी रहा है, उठ रहा है बैठ रहा है, वो बंदा अपने घर में कर रहा है, तो तुम्हें इस चीज में किस चीज का मतलब, किस चीज की दिक्कत है, किस चीज की आप ऐसा क्यों कर रहे हो? पता नहीं, मेरे को तो समझ ही नहीं आया, इसलिए मुझे लगा कि मुझे अगर मुझसे सौरभ की कोई हेल्प हो सके तो मैं उसकी कुछ हेल्प करूं। जो सौरभ जोशी व्लॉग्स का जो ये वीडियो है, व्लॉग है, उसका मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रही हूं, तो प्लीज़ आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाएं, इस वीडियो को पूरा का पूरा देखें, और जितना हो सके आप शेयर कीजिए, जिससे इंस्टा तक ये खबर पहुँचे कि कोई भी इंसान विदाउट परमिशन आपके अकाउंट को नहीं छू सकता है। मतलब इंसान को पता ही नहीं और उसका अकाउंट डिलीट हो जा रहा है, कल आज ये सौरभ जोशी के साथ हुआ है, कल ये किसी और के साथ हो सकता है। मतलब जब इतने बड़े बड़ों के साथ हो सकता है तो उस छोटे के साथ क्यों नहीं हो सकता? तो मैं सिर्फ चाहती हूँ कि ये किसी के साथ भी ना हो, तो इसीलिए आप प्लीज़ किसी तरीके से, किसी भी तरीके से, जैसे भी आप हेल्प कर सकते हैं वैसे हेल्प कीजिए। थैंक यू।